आप यहाँ घर बनाओ अपना, कहाँ? दिल्ली में। और उसका नाम ही रख दो तुम, वो क्या मातुश्री, वो मातुश्री, मातुश्री रख दो। मैं वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगा, मुझे दिल्ली पुलिस पे विश्वास है, मुझे दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। आपको बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में और आज की उद्धव ठाकरे में अंतर दिखाई देता है? भैया जमीन और आसमान का अंतर है, जैसे अन्ना हजारे और केजरीवाल में अंतर है, दोनों में अंतर है। वो कह रहा था हमें स्वराज चाहिए और हमें देश हित का काम चाहिए, और उसने बोल दिया बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साहब। महाराष्ट्र में अगर हनुमान चालीसा के लिए वो बोल देता कि आओ भाई हम शिव सैनिक है, एक बार नहीं दो बार बोलूंगा शिव सैनिक है, तीन बार बोलूंगा कौन है भैया वो शिव सैनिक, वो हनुमान चालीसा के लिए मना कर रहे हैं। मतलब जो बाला साहब ठाकरे का पुत्र है, बाला साहब ठाकरे, ये क्या राजनीति तो खुद करे। इनको कहना था झगड़ा खत्म कराना था, हाँ भाई आप आके पढ़ो हनुमान चालीसा हम भी पढ़ेंगे, चटपटा होता मसालेदार होता कुछ नहीं होता। इन्होंने बोला तुम पढ़ के दिखाओ हम तुम्हारे पे मुकदमे लगाएंगे। उधर उनके वकील गेट के बाहर ही बैठे थे कोर्ट के तैयार, सिर्फ उसमें नाम रह दिया, बाप का नाम छोड़ दिया, पता क्यों? बोले याचिका लगानी है फर्जी, और इधर पत्थरबाज तैयार कर लिए। ये क्या हो रहा है, ये बीजेपी वालों ने भेजे? कभी ये कहते पत्थरबाज बीजेपी वाले, पहले डिसाइड कर लो कि बीजेपी वाले पत्थरबाज कहाँ है, शिवसेना वाले पत्थरबाज कहाँ हैं? उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि हम लोग शिवसेना वाले हैं, जो सैनिक हैं वो बाला साहब ठाकरे के हैं, झुकेंगे नहीं। अरे ये आपको पता है इसी देश में वो ऐसे ऐसे करके जो कर रहा था, उसको आपने देखा वो पिक्चर थी? अब यहाँ पर जो है ना कंधा टेढ़ा कर करके लोंडे घूम रहे हैं जेलों में, उत्तर प्रदेश में पट्टा ले लेके जा रहे हैं, बोले मैं कयूम मैं श्याम, बोले भाई साहब हमें बंद कर दो, बोले हम तो तुम्हें पकड़ने जाते थे, बोले ये एनकाउंटर कर देगा बाबा बुलडोजर भी चला देगा, मम्मी कह रही है मम्मी कह रही है मकान फोड़ देंगे। इससे अच्छा तरीका था वो बुलडोजर बाबा जो है वो जैसे उत्तर प्रदेश में कर रहा है, ये बुलडोजर तो चला नहीं पा रहे हैं। अब इन्होंने कहा इलेक्शन आए या ना आए, एक काम करो, कांग्रेस से तो हमने गठबंधन करा हुआ है, एनसीपी से गठबंधन करा हुआ है, राज ठाकरे इनके परिवार का व्यक्ति था ना, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और ये कहते हैं अमित शाह जी को, मोदी जी को, कि इनको बोलना नहीं आता, ये गुंडे हैं, इनका खुद का चैनल है साधना, पहले बात को सामना। अरे मुझे नाम भी याद नहीं करना, मुझे नाम भी याद नहीं करना, जहाँ सामना पब्लिक का नहीं कर सकते वो साधना बोल लो चाहे सामना बोल लो। आप मुझे एक बात बताओ, कह रहे चार गुट जमीन के चार फुट, ऐसी बोला था ना भैया, जमीन के नीचे दफना देंगे, अगर उसको दफना देंगे जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उनके घर। दीपक शर्मा पढ़ रहा है जय हनुमान गुण सागर जय कपीस तीनों लोगों को, जाकर मुझे गड़ा के दिखाओ, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बॉम्बे नहीं है, ये दिल्ली है, और यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, तो हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाएगी जिस दिन एक्ट आ जाएगा, जैसे बोर्ड लगा होता है नो हेल्ट नो स्टॉप, उसका मतलब हिंदी में भी बता दूं, मोदी जी ने कहा हिंदी का भी अभिवाचन करो कि ना रुक सकते हैं यहाँ पे और ना खड़े हो सकते हैं, जिस दिन लिखा होगा ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना कोई धार्मिक नारे लगा सकते हैं और ना हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उस दिन वहाँ पर कोई खड़ा भी नहीं होगा। ये लगा के दिखाएं, एक नवाजी इन्होंने अरेस्ट करा हो तो मेरे को उसका नाम बताओ इस मीडिया के माध्यम से, भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, जो सड़क में नमाज पढ़ता है। मैं सैनिकों की बेल हो गई, जो वहाँ पे हंगामा कर रहे थे उनकी बेल हो गई, लेकिन जो सांसद पढ़ रही थी हनुमान चालीसा उनके राजद्रोह लगा दिया भाई। सांसद सुनिए, कानून व्यवस्था, इन्होंने झूठे मुकदमे लगाए, धारा थी, अब इस देश में अगर सांसद भी बंद हुआ तो धारा झूठी लगा के उसे बंद कर दिया, संविधान के दायरे में था। कभी इससे पहले सुना कोई सांसद और विधायक बंद हुआ हो? नहीं होता था। अगर उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए और बंद कर दिया, तो मुकदमे झूठे लगाए, कोर्ट अपना काम कर रहा है, जज को पता है कि मुझे जो फैसला देना है वो मुझे एक्ट के हिसाब से देना है, इनके बस की नहीं है। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जो मर्द का बच्चा, जो शेर दूत, जो राजा महाराजाओं की तरह महाराष्ट्र को चलाया है, ये उनके बच्चे होकर इनके खून में अब क्या ऐसा घुस गया है सत्ता के लालच में। इनका बेटा वो जानते हो आप, जो कभी मीडिया में भी नहीं आता, जिसको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आदित्य, वो पूरे दिन फिल्म स्टारों के साथ घूमता है। इधर मैडम जी देखी, ओ माय गॉड, शिल्पा शेट्टी, इधर देखी प्रियंका चोपड़ा, ओ माय गॉड। आप एक बात बताओ, आपको लाल बत्ती गाड़ी चाहिए, आप गाड़ी खरीद लो, लाल बत्ती लगा लेना, आपकी जो शिवसेना है आपको पुलिस रोकती नहीं है, आप सत्ता में रहो या ना रहो, शिव सैनिकों का वहाँ इतना खौफ है ना कि पुलिस वाला कहता है भाई मैं नहीं लगूंगा मुँह, बोले क्यों, बोले ये शिव सैनिक है। वहाँ खुद उनकी जो पुलिस है ना वो कठपुतली है, कठपुतली समझते हो,
इतनी कठपुतली किसी राज्य में पुलिस नहीं है। अगर योगी जी कहते हैं ना कि उसके घर में बुलडोजर चलाना है तो पुलिस वाले मकान नंबर देख के बुलडोजर चलाते हैं, किसी के भी मकान में नहीं चढ़ा देते हैं। मगर वो जब कहते हैं ना वहाँ से चार लड़के उठाओ, और वहाँ पर अगर चार लड़कों की जगह वो बीजेपी वाले हट जाए और कोई चार मेरे जैसे खड़े हो जाए तो मुझे उठा लेंगे, कहेंगे सब ले आए। बोले अरे ये वो नहीं है जो मंगाए थे, बोले ये कौन है तो आम पब्लिक उठा लाए। आपको बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में और आज की उद्धव ठाकरे में अंतर दिखाई देता है? भैया जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे अन्ना हजारे और केजरीवाल में अंतर है। कैसा? जैसे अन्ना हजारे और केजरीवाल में अंतर है। क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। वो कह रहा था हमें स्वराज चाहिए और हमें देश हित का काम चाहिए, और उसने बोल दिया बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साहब। उसने कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे। मेरे जैसे एक लड़के ने, मेरे पास तो खैर गाड़ी नहीं है, इनको गाड़ी दे दी। बोले भाई साहब आप लोग पैदल घूमते हो, बैटरी रिक्शा में चप्पल पहन के घूमते हो, गाड़ी ले लो। उन्होंने गाड़ी ले ली, जनता को दिखा रहे हैं देखो मेरे को एक बंदे ने गाड़ी दी है। अब गाड़ी तो उन्होंने ले ली, उसमें एसी काम नहीं कर रहा था, कभी टायर भी पंचर होता था। वाइफ ने बच्चों ने बोला बापा आई एम नॉट अ कंफर्टेबल फॉर दिस कार, तो उन्होंने बोला कि हम लोग को गाड़ी भी मिलेगी। बोले गाड़ी भी मिलेगी सर, घर भी मिलेगा। बोले शीला दीक्षित भी मर गई है, वो खाली तो खुद ही हो गया है। देखिए वो बेचारी डेथ कर गई है, हम उसके लिए कुछ गलत नहीं कह रहे। उसने दिल्ली में जो भी काम करा, ठीक करा गलत करा, वो लेडीज बहुत सच्ची थी। उसने इतनी गंदी राजनीति नहीं करी, इसने आके बंगला लिया, दिल्ली पुलिस चोर बताई। मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, मेरे में मुकदमा दर्ज हो जाए। दिल्ली पुलिस को चोर बताया किसने? किसने? एक केजरीवाल ने कि मिले हुए हैं मोदी पुलिस है। बाद में जब दो तीन लड़के गए, एक ने पटाख से थप्पड़ मारा गाल में, आए बोले एक हो गया। बोले दिल्ली पुलिस, इनको दिल्ली पुलिस दिखी। एक ने सियाही उड़ेल दी तो कह रहे दिल्ली पुलिस। जब सेंटर तुम्हारे को दे रही थी सिक्योरिटी, तब तुमने सिक्योरिटी क्यों नहीं ली? पहले तो तुम्हारे को लग रहा था कि वो दिल्ली पुलिस मोदी की है। इस देश में ना लोगों को पता ही नहीं हम किसका विरोध कर रहे हैं। ये हनुमान जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये 100 करोड़ लोगों का विरोध कर रहे हैं। आपको पता है हनुमान भाई कितने लोग हैं जैसे जय श्री राम बोलेंगे? पूछो। अब ये सारे क्या तिहाड़ जेल में चले जाओगे भाई साहब? कल तिहाड़ जेल में चले जाओगे? पता क्यों? ये दिल्ली है, यहाँ शिवसेना नहीं है। कहना है फैट है, जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। संजय राउत कहना है जैसे का तैसे दिया जाएगा, यहाँ ये धमकी मत देना राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। महाराष्ट्र है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक बार चलता था बहन मायावती कहती थी, जैसे सुनिए, जैसे मायावती कहती थी यूपी में, वैसे अखिलेश यादव कहता था। अब आज वो उसी के कहे रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करा जाएगा तो और कहाँ करा जाएगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं है बॉम्बे जाने का, ना मैं ऐसे मुंह लगता हूँ। कहावत है कीचड़ में पत्थर मत मारो। आप यहाँ घर बनाओ अपना, कहाँ? दिल्ली में। और उसका नाम ही रख दो तुम, वो क्या मातुश्री, वो मातुश्री मातुश्री रख दो। मैं वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगा, मुझे दिल्ली पुलिस पे विश्वास है, मुझे दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। मगर शिवसेना की जो ये पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस, वो तुम्हारे को अरेस्ट कर लेगी। ये नवाजियों को कभी अरेस्ट नहीं करेंगे, ये हनुमान चालीसा वालों को करेंगे। दूसरा मैं स्वराज वाली बात बता दूं, अन्ना हजारे जी वाली, एक तरफ लिखा था मुझे स्वराज चाहिए और एक तरफ लिखा था कि देशभक्ति चाहिए, मेरा भारत महान। भैया यही लिखा था मेरा भारत महान? लोग क्रांतिकारी लोह पुरुष बन के चले गए, वो सोच रहे थे ये अनिल कपूर है। ये पता कौन निकला? अमरीश पुरी। जो खुद गंदी राजनीति करने के लिए आया था, इसने दिल्ली का बेड़ा करक कर दिया। 8 बजे के बाद चाहे बेरोजगार हो चाहे रोजगार हो, एक के साथ एक दारू दिल्ली में फ्री मिल रही है, पियो। और हनुमान चालीसा पढ़ने वालों का विरोध करो। ये आपसे बार बार सवाल पूछना चाह रहा हूं, इतनी देर से बोल रहे हैं। आप अभी जो सारी बात कर रहे हो, आपने अभी कहा महाराष्ट्र के अंदर ऐसा हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी सबसे श्री राम का नारा लगवाया। बिल्कुल लगवाया। मैं हिंदू, मैंने नहीं लगाया। ठीक है, सुनिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, आप शर्मा जी हैं, यहाँ कोई वर्मा जी हो सकता है, कोई ठाकुर हो सकता है, कोई नाई हो सकता है, कोई धोबी हो सकता है, सुन लीजिए, कोई यादव हो सकता है और धार्मिक हिंदू होगा, मैं भी धार्मिक हिंदू। मुझे आप ये बताइए कि हिंदू धर्म में से क्या जरूरत पड़ी मुस्लिम धर्म को अपनाने की हिंदुओं को? आज भारत में जितने हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, अच्छा, वो कन्वर्टेड मुसलमान जितने हैं, सुनो भाई, जितने कन्वर्टेड मुसलमान हैं सारे हिंदू हैं, मानते हो? नहीं, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में, है ना सब। अभी अभी सुनो, अरे भाई सुनो, सुन लो भाई, जैन धर्म अपनाने वाले लोग हिंदू हैं जो जैन धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को अपनाने वाले लोग हिंदू हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग हिंदू हैं। मुझे आप ये बताओ, जब सब हिंदू हैं तो धार्मिक तौर पर, जब हिंदू धर्म सबसे, सनातन धर्म सबसे पहले था, हम लोगों को धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कह रहे दूसरा धर्म क्यों अपना लिए? सुनिए सर, ये जितने भी हमारे देश, हिंदू ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा ना बदला। औरंगजेब ने जब
औरंगजेब का एक नारा था, सुनो, ढाई मण जनेऊ शाम को उसके चढ़ते थे। बौद्धिस्टों के कंधे पे तलवार किसने रखी, वो बौद्धिस्ट क्यों बने? बौद्धिस्ट म्यांमार में थे, बौद्धिन भाइयों पूरी जानकारी दे दूं, म्यांमार में मोंगी रोंगिया मुसलमान, मेरे को नाम भी याद नहीं, पता क्यों? क्योंकि मैं ऐसे नाम भी याद नहीं करना चाहता, मैं मुस्लिम भाइयों का नाम इज्जत से लूंगा, हिंदुस्तानी मुस्लिम हो, क्योंकि बाहर रोंगिया वालों ने वहां पर जब तलवारें लहराई ये बैठ कर अपना पाठ कर रहे थे, सबसे शान धर्म है, सबसे शान धर्म है। सुनिए एक बार बात पूरी होने दो, जब उन्होंने हथियार उठाया ना तो ओने बोने के भाव वहां से ऐसा भागे कि पूरे विश्व में ये क्यों, भारत में भी वो रोंगिया मुसलमान आगे बसे हुए रोंगिया, वो नहीं माने, वो नहीं माने, कहां मुसलमान बने बौद्धिस्टिर, ये तो बिल्कुल ही वो बात कर रहे हैं कि क्रिश्चियन भी मुसलमान बन गए, हिंदू भी मुसलमान बन गए। एनसीपी की जो नेता है फातिमा खान, वो कह रही है कि उन्होंने लेटर लिखा है अमित शाह जी को कि पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा अजान का पाठ करेंगे। भैया मेरी बात सुनिए, मैंने पहले भी बताया अनुवाद चालीसा है या अजान है, अगर अजान पढ़ी जा रही है तो हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाएगी, अगर कहीं से रैली निकल रही है, चाहे हिंदू की निकले, चाहे मुस्लिम की निकले, चाहे सिख की निकले, चाहे किसी भी धर्म की निकले, वो निकलेगी, सीधी सी बात है, कोई सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है। मैंने दोबारा पूछ रहा हूँ, तिबारा पूछ रहा हूँ, चौथी बार पूछ रहा हूँ, क्या अजान पढ़ने वाले को, नमाज पढ़ने वाले को, नमाज पढ़ने वाले को फूड पार्क से किसी ने जेल में डाला है? किसी के पास कोई जवाब नहीं डाला। उद्धव ठाकरे जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका विनाश लिखा है, 100 करोड़ लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो सर कह रहे थे अच्छा जब बाला साहब ठाकरे थे तो आप क्या बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को मानते थे? बाला साहब ठाकरे को सुनो, कुर्सी का लालच नहीं था, वो जनता के साथ थे, वो जनता के साथ थे, जनता का साथ मिलकर काम करते थे, जो सुनिए, जो जनता कहती थी, जो जनता जिसको चुनती थी, ना उन्होंने बदमाशी करी है और ना उन्होंने गुंडागर्दी करी है, ये फिलहाल बदमाशों की सरकार है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो हनुमान चालीसा का पाठ होने देते? बिल्कुल होने देते, और ये चीज पहली बात तो होती नहीं, उनके बेटों की हिम्मत नहीं थी उनके आगे खड़े होकर इतनी बड़ी बात बोल लेते हो।